आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के डीप ओशियन मिशन के प्रस्ताव नु मंजूरी दे दी है। इस मिशन का उद्देश भारत नु अपने समुद्री स्रोतों राही 100 अरब रुपए तो वध दी बलू आर्थिकता दे टीचे नु प्राप्त करन विच सहायता करना है। योजना दे उद्देश हेठ लिखे अनुसार हन। जलवायु परिवर्तन दे कारण समुद्र विच लंबे समय तक होण वालियां तब्दीलियां तो पैदा होण वाले मुद्दियां नु हल करना, समुद्री स्रोतों दी टिकाऊ वरतों लई समुद्री टेक्नोलॉजियां दा विकास करना, अंडरवाटर वाहनां अते अंडरवाटर रोबोटिक्स नु विकसित करना, समुद्री जलवायु परिवर्तन सलाहकार सेवावां प्रदान करना, ऑफशोर आधारित डिसैलिनेशन तकनीकां दा विकास करना, नवियाउण योग ऊर्जा उत्पादन तकनीकां दा विकास करना। भारतीय पुलाड़ खोज संगठन इस योजना नू लागू करन लई पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय दे सहयोगियां विचों एक है। इस तो इलावा समुद्रयान डीप ओशियन मिशन दा हिस्सा 29 अक्टूबर 2021 नू शुरू कीता गया सी। ए भारत दा पहला अते एक विलक्षण मानवयुक्त समुद्री मिशन है। समुद्रयान दी शुरुआत दे नाल भारत अमरीका रशिया जापान फ्रांस अते चीन वर्गे देशां दे कुलीन क्लब विच शामिल हो गया है, जिन्ना कोल समुद्र दे हेठां गतिविधियां नू करन लई अजिहे अंडरवाटर वाहन हन। ए मिशन भारत दे टिकाऊ विकास नू यकीनी बनाउण दी सरकार दी वचनबद्धता नू दर्शाउंदा है।